वी लर्न टू एडजस्ट. नॉनवेज नहीं भी मिल रहा था तब भी हम लोग एडजस्ट कर रहे थे. शी लव्स मीट, शी लव चिकन. अगर आप ट्रिक करोगे उसके साथ, सोचोगे कि मैं कम खाना खाऊंगी, तो उसको भी समझ में आ जाएगा, वो बैकफायर कर देगा, एनर्जी स्टोरिंग मोड में चला जाएगा. इन एवरी हाउस होल्ड, मतलब किसी को भी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी हाँ खार खाई लुआ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो खाने से ठीक हो जाएगा. मतलब आई हैव माई डिनर बाई 7 PM. कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वी आर ऑन द हेल्दियर साइड. इफ यू आर नॉट लाइक, बहुत ज्यादा नहीं होने से भी कम से कम थोड़ा हेल्दी साइड में हम लोग. Yes. मतलब वी आर मोर फॉन्ड ऑफ हैविंग लाइक फर्मेंटेड फूड्स, लाइक बेम्बू शूट हो गया या कोई भी लाइक अदर फूड्स नो फर्मेंट करके. यस, लेकिन असम में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आपको कोई भी पार्ट का कोई भी फूड आइटम्स आपको मिल जाएगा. फ्रॉम डोसास लाइक फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया टू लाइक नॉर्थ ईस्ट या कोई भी पार्ट का, मतलब आपको कुजिन्स यहाँ पे मिल जाते हैं. टेक मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, आप कहीं पे भी लाइक नोट डाउन कर लो. बट एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, असम में पीपल आर नॉट लैकिंग फाइबर मच. बिकॉज क्या हो रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं, लेट हो जाएगा करके वो लोग डिनर ही स्किप कर देते हैं. वैसा नहीं करना चाहिए. Hi, this is Pooja and welcome to a special interview with our esteemed dietitian. And today we will discuss about Northeastern cuisine along with some tips to a healthy lifestyle. Northeastern food is rich in tradition and diversity. It offers varied flavors, tastes and textures that captivates both the body and the taste buds. So let's welcome our guest, Manisha Gautam, and welcome to India Today, Annie. My first question will be, how will you define a healthy meal? So basically, healthy diet according to me, healthy meal according to me, should consist of 5 fingers of nutrition. One is your protein, carbohydrate, fats, vitamin minerals, जो कि एक like micronutrient है, और साथ में fiber, which we usually neglect. So these 5 things अगर आप balance करते हो अपने meal में, तो आपका एक healthy meal और एक balanced diet बन जाता है. उसमें क्या करना है, लाइक बेसिकली वी हैव टू डू द पोर्शन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू योर लोकेलिटी, व्हाट इज़ लोकली अवेलेबल इन योर लाइक जो भी आपके लोकेलिटी में अवेलेबल होता है. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है. वो सब चीज़ों को अगर आप माइंड में रखते हैं, देन लाइक वी कैन डेफिनेटली क्यूरेट अ हेल्दी मील फॉर एन इंडिविजुअल. और डाइट जो है या हेल्दी मील जो है, अ पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. बिकॉज बेसिकली आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होगा, उनका अलग होगा, मेरा अलग होगा. वी कैन नॉट कंज्यूम अ सिंगल लाइक कैलोरी डाइट या सिंपल, जैसे कि हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं ना 1200 कैलोरीज डाइट, 1300 कैलोरीज डाइट, वो बेसिकली वर्क नहीं करता. वो आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. बेसिकली हेल्दी मील इज समथिंग वी हैव टू लुक आफ्टर, जिसमें आपका प्रॉपर बैलेंस एक हो. प्लेट में आपका प्रोटीन भी रहे, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहे, फैट्स भी रहे, सम अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स भी रहे और फाइबर भी रहे, वही आपका हेल्दी मील है. ओके, गुड वन देन. सो आई थिंक आई हैव टू, सो पूजा, आई थिंक आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस 5 points ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं क्योंकि लाइक आई कोलैप्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर. काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आई कोलैप्स. सो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन दिस 5 points ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, वेरी मच नेसेसरी फॉर मी. So my next question is, in Assam people are really fond of rice. Yes. So हम लोग SMEs में बोलते हैं भोतुआ. So they cannot stay without having rice, without consuming rice. Yes. So do you consider it to be healthy? So rice, you have asked a very good question. Basically, here like when people they visit my clinic, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, हमें वेट लूज करना है, हमें सब कुछ अचीव करना है, लेकिन राइस को हम छोड़ नहीं सकते. वो हमें त्याग नहीं करना है. इज डायबिटिक देन आल्सो लाइक देल से कि मैं राइस नहीं छोड़ सकता हूँ, बाकी आप कुछ भी दे दो मैं कर लूँगा. सो बेसिकली राइस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइक ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, स्पेशली असम में भी. लाइक सम पीपल आर देयर हु कंज्यूम
राइस इन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड लाइक टू ऐड दैट कि राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली व्हाट यू आर कंज्यूमिंग विथ राइस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक्चुअली आप अगर रोटी भी खा रहे हो, अगर आपका साथ में एक मील में प्रोटीन नहीं है, फैट्स नहीं है या कोई भी अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर रोटी भी आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देगा. सो बेसिकली राइस में भी वैसा ही है. रोटी में क्या होता है, थोड़ा सा फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है. एंड देर इज़ ऑल्सो अ थिंग कि लोग कहते हैं कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है, वाइट राइस इज़ नॉट हेल्दी. बेसिकली उसमें क्या कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली अलग अलग होगा. उसमें एक मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज बेसिकली क्या होता है ना, वाइट राइस में थोड़ा सा फाइबर कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस. अगर आप ऑथेंटिक सोर्स से सोर्स कर पा रहे हो, जस्ट सपोज लाइक फ्रॉम द रूरल सोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता है राइस का, देन वाइट राइस इज़ ऑल्सो फाइन फॉर यू. नॉट नेसेसरीली ब्राउन राइस ही लेना है. ब्राउन राइस में थोड़ा सा फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है, थोड़े बहुत मिनरल कंटेंट ज़्यादा रहते हैं, विच इफ़ यू कंबाइन वाइट राइस विथ फाइबर कंटेंट, जैसे फाइबर कंटेंट आप वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो विथ वाइट राइस, देन वो कंपेंसेट हो जाता है. नॉट नेसेसरीली आपको ब्राउन राइस ही लेना है, वो ही ज्यादा हेल्दी है, वैसा कुछ है नहीं. आप वाइट राइस खा के भी आप हेल्दी रह सकते हो, बट उसमें आपको फाइबर कंटेंट थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा. बाकी प्रोटीन तो राइस में इतना होता नहीं है कि हम लोग को प्रोटीन में भी फोकस करना पड़े. येस, वी हैव टू कंबाइन हेल्दी फैट्स, प्रोटीन एंड ऑल्सो द मिनरल पार्ट. So, वो करने से वाइट राइस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट देन द बैलेंस, यस द बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, द पोर्शन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? ओके. एंड next question will be apart from rice and healthy meals, yes. Snacks have also become an essential part of our life. Yes. So can you recommend me some healthy snacks ki main office mein baith ke bhi main ye kha sakti hu? Aisa problem nahi hai ki because main thodi moti hu to mujhe aisa lagta hai ki main zyada nahi hu, but yes to matlab aisa hota hai ki चिप्स मुझे बहुत पसंद है. हाँ. लेकिन मुझे ऐसे खाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है. क्या पता, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं पानी खाने के बाद भी मैं मोटी रहूंगी. हाँ. अगर मैं पानी ही खाऊंगी ना, फिर हाँ. भी मैं मोटी रहूंगी. हाँ, हाँ, हाँ. तो रिकमेंड मी सम हेल्दी स्नैक्स. ओके. सो बेसिकली स्नैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ दिस डेज. बेसिकली पहले तो क्या होता था, पहले लोग तीन मील को इम्पोर्टेंस देते थे. बेसिकली ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लंच कर लेंगे एंड डिनर कर लेंगे. दैट्स फाइन एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग दैट. यस, दैट दैट इज ऑल्सो समहाउ ओके. बट देन क्या होता है ना, उसमें कभी कभी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से, या मतलब जैसे वर्किंग एनवायरमेंट रहता है उसमें जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं उसके कारण हमारा हंगर हॉर्मोन्स भी ज़्यादा रिलीज होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में. तो क्या होता है, हमारे लिए सबसे इजी रहता है एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट. बस वही खरीद लो, खा बस बाहर निकलो, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट ले लो, खा लो, बस हो गया. कुछ तो दे दो यार. सो बेसिकली क्या होता है, स्नैकिंग के लिए सबसे ईजीएस्ट जो है ऑप्शन वो है यू कैन कंबाइन नट्स एंड सीड्स. वो आप जैसे छोटा सा आपने टिफिन कैरी कर लिया व्हेन एवर यू आर कमिंग टू ऑफिस, और व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो यू कैन टेक अ स्मॉल टिफिन. उसमें आपने सारे लाइक सीड्स लाइक आलमंड्स, पिस्टेशियोज, रेजिन्स एंड ऑल, फ्लैक्स सीड्स, 1 teaspoon ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड सम अमाउंट ऑफ डेट्स एंड ऑल, वॉलनट्स, ये सब आपने कंबाइन कर लिया एक टिफिन में, आपने कैरी कर लिया. तो उतना अगर आप कैरी करके लेके आएंगे ना, तो हैंडफुल ऑफ दैट विल बी कीपिंग यू सैचुएटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बेसिकली आप जब चिप्स एंड ऑल कंज्यूम करते हो ना, उसमें क्या होता है, देर आर सम एलिमेंट्स यूज इन दैट लाइक पैकेट ऑफ चिप्स, लाइक मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया या कोई भी लाइक अदर इन्ग्रीडियंट्स विच इज़ यूज, वो ना एडिक्टिव होता है ज़्यादा. एंड द सोडियम इनटेक इज़ हाई, सोडियम भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स में होते हैं ऑन एवरी काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड पैकेट फूड आइटम्स में सोडियम लेवल्स हाई रहते हैं, शुगर लेवल्स हाई रहते हैं. नो डाउट वहाँ पे जीरो शुगर फ्रंट में लिखा होगा, लेकिन बैक लेबल में अगर आप चेक करोगे तो सम काइंड ऑफ
सम काइंड ऑफ एडिड प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड. सो अगर आप वैसे काइंड ऑफ लाइक स्नैक्स वगैरह घर से ही लेके आते हो तो दैट विल बी अ वेरी हेल्दी चॉइस. अदर ऑप्शन वुड बी स्प्राउटेड मूंग्स एंड स्प्राउटेड चना, जो ब्लैक चना अवेलेबल रहता है वो स्प्राउटेड करके आप लेके आए. अगर आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है देन व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट कैन स्टीम इट फॉर सम टाइम लाइक 10 मिनट्स और 15 मिनट्स. वो आपका लाइक गट इश्यूज में भी हैम्पर नहीं करेगा आपको. अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है देन इट विल नॉट हैम्पर यू. सो दैट विल बी अ हेल्दी ऑप्शन. बेसिकली यू आर रिकमेंडिंग ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स, यस, ड्राई फ्रूट्स एंड लाइक मूंग्स, चनाज एंड ऑल. यू कैन टेक सम अमाउंट ऑफ कर्ड एंड फ्रूट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन. फ्रूट्स में थोड़ा सा फ्लैक्सीड्स का पाउडर या फ्लैक्सीड्स डाल लिया तो वो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा नहीं करेगा, शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं. सो देर आर वेराइटी ऑफ आइटम्स लाइक that you can carry as a snack and ek bahut acha options. I can also give you a tip like a very simple thing. Jaise if you are having roti at home ya aapka kisi bhi like that will be a recommendation basically. Agar aapka morning mein roti banta hai for breakfast or lunch you, if you are carrying roti then ek extra roti aap bana sakte ho. Just suppose us roti mein jaise aap roti ke sath to sabji dahi waisa karke you will combine those things no? But whenever you like मेक दैट एक्स्ट्रा रोटी उसमें आपने जैसे थोड़ा सा नट बटर यूज़ कर लिया लाइक आलमंड बटर और पीनट बटर. यू कैन मेक एट होम ऑल्सो, कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं रहता है. तो दैट ऑल्सो इफ़ यू प्रिपेयर नो तो वो आप आराम से कैरी करके आ सकते हो. तो जब भी आपका ऑफिस में थोड़ा स्नैक टाइम हो जाता है मन करे सो लाइक इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स एंड ऑल यू कैन कंज्यूम दैट. गो फॉर दैट. थैंक यू. मैं ये सारे टिप्स फॉलो करने वाला हूं आज से. मैं हेल्दी बनने वाली हूं. So my next question is like personally I cannot stay without meat. Yeah. So I need to consume meat. Okay. So that so is you are my hardcore non-vegetarian. Yeah, hardcore like non-vegetarian. It is my first and only love that I have in my life. And I cannot stay without meat. But then doctors restrict from consuming red meat a lot these days. Yes. So do you think that it is unhealthy or like should I be restricting myself from consuming red meat? Yes, actually red meat is a thing. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर मीट्स. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू विल हैव सम अदर लीन ऑप्शंस, लीन मीट ऑप्शंस. लाइक अगर आप लोकल चिकन्स देखेंगे या फिर लाइक एनी काइंड ऑफ पोल्ट्री आइटम्स, एग्स एंड ऑल, दोज आर ऑल लीन मीट्स. और लाइक प्रोटीन सोर्स के लिए तो और भी बाकी बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज रहते हैं. लेकिन रेड मीट में क्या होता है, इफ़ यू कंबाइन लाइक इफ़ यू कंज्यूम इट इन अ स्मॉलर क्वान्टिटीज और इफ़ यू कंज्यूमिंग इट वंस इन अ वाइल, जस्ट सपोज 10 दिन में एक बार खा रहे हो या 15 दिन में एक बार खा रहे हो. जनरली क्या होता है मटन्स एंड ऑल लाइक वट एवर मटन पोर्क एंड ऑल वट एवर इज़ अवेलेबल लाइक रेड मीट का सोर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल ज़्यादा लाइक फॉन्ड रहते हैं तो मटन और पोर्क उसमें सबसे ज़्यादा लाइक लिस्ट में हायर अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है. सो बेसिकली क्या होता है उसका अमाउंट जितना आप कम करेंगे वो बेटर रहता है. उसमें क्या होता है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े से हाई हो जाते हैं इफ़ यू कंज्यूम रेड मीट ऑन डेली बेसिस. लाइक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं एंड ऑल दीज इश्यूज कम अप. दैट्स व्हाई आपको रेड मीट अवॉइड करने के लिए थोड़ा कहा जाता है. देर विल बी मेनी अदर ऑप्शंस इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी रहते हैं जिसको आप चूज कर सकते हो एज कम्पेयर टू रेड मीट. आर देर एनी फूड आइटम्स जो लाइक इफ आई कंज्यूम रेड मीट बट देन it will also cut down on those effects or maybe side effects. So basically क्या होता है like अगर मेरे को खाना ही है if I want to have it so are there anything that would cut down the level of cholesterol? So basically वैसा मैजिक ड्रिंक या मैजिक फूड आइटम वैसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, वैसा अनफॉर्चुनेटली हाँ वो कुछ भी नहीं होता है. बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन एवरी लाइक मील ऑफ योर डे टू कीप योर कैलोरी इनटेक मतलब नॉर्मल रखने के लिए या हेल्थ इश्यूज को नॉर्मल रखने के लिए. एज आई सेड कि वंस इन अ वाइल अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं रेड मीट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट डेली कंजम्पशन विल लीड टू
हेल्थ इश्यूज लाइक एनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर इश्यूज आ सकते हैं. सो उसको अवॉइड करना ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा. जैसे बहुत लोग क्या करते हैं लाइक स्पेशली इन असम नो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ नेमू टेंगा लाइक लेमन. बहुत ज्यादा खा लेंगे लाइक दाल चावल मटन चिकन एंड एवरीथिंग दे ईट एंड देन दे विल थिंक की आई विल स्क्वीज सम लेमन एंड देन सब फैट्स मेरा चला गया. सो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग बट आई नीड टू एडमिट कि मेरा भी यही धारणा था इससे पहले. सो आई विल हैव टू चेंज इट आई गेस. इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं कम होने वाला है. यू हैव टू फोकस ऑन लाइक एवरी डाइट और एवरी मील. मतलब ना खाने के बाद नेमो कुछ नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं कर सकता. ओके पूजा सो आई विल गिविंग इट टू यू. ओके एंड ऑल्सो पीपल हियर आर वेरी फॉन्ड ऑफ पिजन मीट और डार्क मीट. बट हमने बचपन से सुना है कि उन लोगों का ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है तो ऐसा मतलब असम में ऐसा होता है कि डक मीट और हमारे घर में ऐसा होता है कुछ भी होता है मतलब डक मीट ही खाएंगे सब. तो डू यू कंसिडर इट हेल्दी होगा? नो एक्चुअली क्या होता है डक मीट एंड पिजन मीट को हम लोग एकदम कैटेगराइज नहीं कर सकते बिकॉज जितना कंजम्पशन हमारा अगर हम लोग लाइक रेशियो वाइज भी देखें जितना कंजम्पशन हमारा चिकन का रहता है फिश का रहता है या लाइक एग्स या एनी काइंड ऑफ अदर सोर्सेज लाइक रेड मीट्स में मटन पोर्क उससे थोड़ा कम अमाउंट में डक मीट या पिजन मीट को लिया जाता है हाउस होल्ड्स में एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन. लीन प्रोटीन का सोर्स है उसमें जिंक रहता है सेलेनियम रहता है विटामिन B12 भी रहता है. डक मीट में एज कम्पेयर टू पिजन मीट ज़्यादा Omega-3 एंड Omega-6 फैटी एसिड्स भी रहता है. लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आपको डेली डक मीट लेना चाहिए. बहुत लोग ये भी सोच लेंगे कि हाँ मैंने ये कह दिया तो फिर डक मीट में अभी हम लोग डेली डक मीट लेंगे फॉर Omega-3 एंड Omega-6 वो नहीं होना चाहिए. यस समहाउ समवेयर उसमें न्यूट्रिशन प्रोपोर्शंस भी होते हैं बट हम लोग के घर में जो कुकिंग स्टाइल है ना देर इज़ अ फॉल्ट देयर बिकॉज जब भी हम पिजन मीट बनाते हैं तब तो लाइक उसका थोड़ा सा लाइक झोल टाइप का लाइक वी एड झूल टू इट एंड ऑल ग्रेवी एंड ऑल सो इट विल इट इज़ अ बिट हेल्दी ओनली. बट व्हेन वी प्रिपेयर डक मीट उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल एंड ऑल यूज़ किया जाता है एंड दैट प्रिपरेशन मेथड इज़ एक्चुअली नॉट हेल्दी बिकॉज चिकन हो या मटन हो हम लोग थोड़ा बॉयल में भी खा सकते हैं या स्टीम करके भी खा सकते हैं बट डक मीट एंड पिजन मीट इज समथिंग यू विल लुक आफ्टर कि हाँ मतलब टेस्ट आना चाहिए बिकॉज यू ईट दैट फॉर टेस्ट नॉट फॉर द न्यूट्रिशन पार्ट. इफ यू आर हैविंग वो तो ओकेजनल डिश होता है ओकेजनल डिश होता है सो ओकेजन में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट देन यस हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो फिर थोड़ा सा कम अमाउंट में लेने से ही बेटर है. एक मिथ है हाँ मिथ है या सच है पता नहीं बट आई वांट टू आस्क यू कि जोहार राइस जो होता है जोहार राइस एंड डक मीट दिस इज अ स्पेशल कॉम्बिनेशन इन असम. सो डू यू कंसिडर इट हेल्दी? टू पीपल लोग तो ऐसे कहते हैं कि वो खाओगे मर जाओगे अगर ब्लड प्रेशर है तो. एक्चुअली वो चीज़ है एंड इवन जोहार राइस जो है उसका मतलब थोड़ा वो थोड़ा गैस्ट्रिक भी ज़्यादा कॉज करता है लोगों में. तो डेडली कॉम्बिनेशन एज इन अगर आप प्रॉपरली एक टाइम से अच्छा मील फॉलो कर रहे हो जस्ट सपोज फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट एक दिन खाने से आपको आपको मरना नहीं पड़ेगा बट देन लाइक इट्स बेटर टू अवॉइड इट. Yeah, okay. The people with high blood pressure. They should avoid it. Okay. But sometimes small amount, ek do piece le rahe, that's fine. Even my mom is having blood pressure, but she has duck or pigeon meat. उसमें उनको तो कोई problem नहीं आ रहा है अभी तक. My uncle टोटो बीहू में ऐसा होता है कि अरे सब खा रहे मैं क्यों नहीं खाऊंगा ऐसा था. तो तब तो बुरा भी लग जाता है खालू. चलता है, but then like too much amount is not good. Anything you are consuming, like healthy चीज हो या unhealthy चीज हो, अभी fruits and vegetables, people think that fruit is very healthy. So fruits हम लोग बहुत amount में खा लेंगे. Even दो या दो से ज़्यादा type of fruits एक बार कंज्यूम करना भी ज्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फ्रूट्स इज हाई तो उससे क्या होता है इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं. सो वैसे ही सब चीजों में लाइक हेल्दी हो या अनहेल्दी हो लाइक अमाउंट कंट्रोल में रखना टू मच ऑफ इट इज डेंजरस और समथिंग. सो दीदी अभी तक जो भी जा रहा है सो आई एम गेटिंग इट कि बैलेंस इज द की. यस तो जो भी खा रहे हैं हम लोग वेदर इट्स वेरी न्यूट्रिशियस और नॉट न्यूट्रिशियस बट देन वी नीड टू मेंटेन द बैलेंस. दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. या सो
ओके सो लाइक कंसिडरिंग आर हेक्टिक लाइफ स्टाइल नाउ दिस इट इज़ वेरी हेक्टिक एंड वेरी टाइट द स्केड्यूल इज़ वेरी टाइट सो दैट वन थिंग दैट यू कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर अस टू इंक्लूड इन आर डाइट यस सो इसमें मैं फोकस करना चाहूँगी एक एलिमेंट के ऊपर जो मैंने फाइव फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन में बोला था फाइबर ओके एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेना चाहिए या बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन कि प्रोटीन हायर अमाउंट में लेना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग मसल मास एंड ऑल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फैट्स कि फैट्स लाइक एलडीएल्स वीएलडीएल्स एंड ऑल लाइक कि बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल गुड फैट्स बैड फैट्स एवरीथिंग एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट बट many like people are not talking about a very important part of our diet that is fiber fiber intake most of the individual aap kahin pe bhi like note down kar lo but ek cheez main usme add karna chahungi assam mein people are not lacking fiber much because kya ho raha hai like yahan pe vegetable saag and all bahut zyada amount mein bhi lete hain to usme fiber intake thoda sa matlab acha khasa amount mein aa jata hai to hum abhi tak bache hue hain thoda sa bache hue hain as compared to other parts of india agar aap north india mein consider karoge हाँ तो देयर मेन मील इज लाइक रोटी राजमा चावल इफ दे आर कंज्यूमिंग राजमा चावल दे विल जस्ट हैव राजमा चावल इफ दे आर कंज्यूमिंग रोटी दाल तड़का एंड समथिंग तो वैसा ही उनका ज़्यादा फाइबर इंटेक बहुत कम रहता है सो फाइबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट नॉर्मल इंडिविजुअल शुड कंज्यूम अराउंड 25 to 30 grams ऑफ फाइबर पूरे दिन में उतना भी हो जाए तब भी काफ़ी है बट देन फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड इंक्लूड लाइक एवरी सिंगल डे वी शुड फोकस ऑन दैट उससे क्या होता है लाइक नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम गट हेल्थ इशूज लाइक जैसे कि गैस्ट्रिक का इशूज है कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है द बोल इज नॉट क्लियर एवरी वन इज हैविंग दोज काइंड ऑफ इशूज ओनली सो उसमें जो है फाइबर एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन इफ समवन इज ट्राइंग टू लूज देयर वेट वॉट हैपन्स इज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड ऑल दीज पार्ट्स बट फाइबर विल कीप सेचुएटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फाइबर का कैलोरी कंटेंट भी थोड़ा सा कम रहता है फाइबर रिच फूड्स का और साथ में क्या होता है इट विल कीप सेचुएटेड बहुत जल्दी भूख नहीं लगता है तो फाइबर कंटेंट अगर आपका डाइट में ज़्यादा रहेगा देन डेफिनेटली इट विल हेल्प मतलब वो चीज़ एक ऐसा है जिसमें आपको फोकस करना चाहिए फाइबर My next question will be, let's focus on the Northeastern part right now. So, how can I make traditional Northeastern dishes, it's like more healthier without sacrificing its authenticity and all? Basically because it has nutritional benefits I have read somewhere so people are doing research on Northeastern foods they are saying that it has nutrition benefits actually yes ye ek bahut acha point hai this is a very good point because as compared to other parts of India if you want to focus on the Northeast part then people here are more fond of having boiled steamed like vegetables and all to इस हिसाब से लाइक एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर ऑन द हेल्दियर साइड इफ़ यू आर नॉट लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होने से भी कम से कम थोड़ा हेल्दी साइड में हम लोग बिकॉज ऑफ दैट बॉइल कल्चर मतलब वी आर मोर फॉन्ड ऑफ हैविंग लाइक फर्मेंटेड फूड्स लाइक बेम्बू शूट हो गया या कोई भी लाइक अदर फूड्स नो फर्मेंट करके यस वो चीज़ ज़्यादा है यस यस बहुत ज़्यादा एंड इवन yesterday only me and my partner we were discussing no like in other part of India I was living in Punjab for 2-3 years earlier during my masters so what I observed ki wahan pe aapko food items milne mein thoda sa mushkil hota hai kuch kuch food items jo yahan pe milta hai wo wahan pe nahi milta hai lekin Assam mein ya northeastern part mein matlab itna zyada diversity hai ki aapko कोई भी पार्ट का कोई भी फूड आइटम्स आपको मिल जाएगा फ्रॉम डोसास लाइक फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया टू लाइक नॉर्थ ईस्ट या कोई भी पार्ट का मतलब आपको कुजींस यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इवन द नॉर्थ ईस्ट फूड वो तो मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी रहता है मतलब लोग बहुत ज़्यादा फॉन्ड है ऑफ हैविंग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या मतलब यहाँ पे लोगों का स्किन भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया तो ग्लो यहाँ ज़्यादा मिलता है यस नॉर्थ ईस्टर्न फूड कैन ब्रिंग ग्लो टू आवर फेस
एंड ऑल्सो ऐसा भी होता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो वेदर कंडीशंस है दिस इज़ वेरी डिफरेंट. यस मतलब क्या बोलते हैं, नागालैंड में एक अलग वेदर है, मणिपुर में अलग है, तो यहाँ अलग है. इसमें कौन से मतलब मील्स ऐसे उन लोगों को मतलब फॉलो करना चाहिए? सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी लाइक इलैबोरेटेड क्वेश्चन एक्चुअली. ये एक बहुत जनरलाइज्ड हो जाता है. फूड और लाइक डाइट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग. आप ये नहीं बोल सकते एक इंडिविजुअल कोई भी यहाँ पे आएगा, आपका जैसे मैंने पहले बोला था आपका डाइट अलग होगा, उनका अलग होगा, मेरा अलग होगा. फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल वेरी. ओके सो एक वेदर कंडीशन से दूसरे वेदर कंडीशन में जब कोई आता है तो उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स होता है ना, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट में वो रहता है, पेट खराब हो गया कुछ ऐसा था. तो उसमें जैसे सिंपल ब्लैंड फूड जो होता है ना वो एक अच्छा ऑप्शन है. अगर आप चूज करना चाहते हैं कहीं पे भी जाके एक ब्लैंड फूड आइटम जैसे कि थोड़ा सा दलिया कंज्यूम कर लिया, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ जस्ट एडिंग सम अमाउंट ऑफ दलिया, सम अमाउंट ऑफ दाल, सम अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, वो सब ऐड करके, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो थोड़ा सा आपने चिकन डाल लिया, थोड़ा सा बना लिया, कुकर प्रेशर कुक कर लिया, तो ब्लैंड टाइप ऑफ फूड आइटम्स जो भी है या सूप्स है मतलब वो कोई भी वेदर कंडीशंस में मतलब प्रॉब्लम नहीं करते हैं. सो मतलब 3-4 दिन तक वो फॉलो करना चाहिए लोगों को. हाँ, थोड़ा सा मतलब अपने बॉडी को उस वेदर के हिसाब से अडप्ट करना करने के लिए वैसे टाइप के मतलब डाइट्स फॉलो करना चाहिए जो थोड़ा सा सिंपल हो, जो इजी टू डाइजेस्ट हो, या अपने गट हेल्थ को मतलब ज़्यादा हैम्पर नहीं करे. फूड है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं अभी जैसे कहीं भी नए जगह पे जाते हैं ना तो अभी जैसे सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, दिल्ली चले गए, कोलकाता चले गए, कहीं पे भी चले गए, हम लोग का क्या हैबिट्स है कि हम लोग यहाँ पे जाके सोचते हैं कि वहाँ का कुछ आइटम ट्राई करेंगे, लेकिन वो आइटम ट्राई करने के साथ साथ वी विल सी दैट नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे मतलब 2-3 दिन में लाइक दैट डज नॉट सूट आवर बॉडी और विल हैव सम डाइजेस्टिव इश्यूज और समथिंग लाइक दैट. बिकॉज वट एवर इज़ द फूड आइटम, जस्ट सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल. ऑयल जैसे हम लोग का पंजाब में जो ऑयल यूज़ होता है उसमें पीनट ग्राउंडनट ऑयल यूज़ होता है, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन मतलब वेदर कंडीशन के हिसाब से वो चीज़ को मतलब मेंटेन करना चाहिए. तो वैसे ही डाइट भी समथिंग लाइक दैट ओनली, लाइक वी शुड नॉट ओवर डू समथिंग लाइक वेन वी ट्रेवल, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं मतलब 3-4 दिनों के लिए थोड़ा एडजस्ट होने के लिए ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विल आस्क. सो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी हैव अ वैरायटी ऑफ कुजीन, देयर इज अ डाइवर्स कुजीन देयर आर प्रेजेंट हियर. सो व्हिच अमंग द कुजीन्स डू यू कंसीडर हेल्दीएस्ट? ओके सो हेल्दीएस्ट का कैटेगराइजेशन तो वैसे नहीं कर सकते हैं. हेल्दीएस्ट कैसा होता है, हेल्दी फूड क्या होता है? हेल्दी फूड में लाइक आप जैसे फॉर एन इंडिविजुअल ही और शी वांट्स टू लूज, समवन वांट्स टू लूज अ वेट, समवन वांट्स टू गेन द वेट. कोई आपको बोलेगा कि बनाना खाने से वेट बढ़ जाता है, कोई बोलेगा बनाना खाने से लाइक जिसको वेट गेन करना है उसको ही बनाना लेना चाहिए, जिसको वेट लूज़ करना है उसको बनाना नहीं लेना चाहिए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ लाइक प्रिपरेशन. अगर आप बनाना एज अ फ्रूट जस्ट ले लोगे तो उससे आप मोटे नहीं होंगे. लेकिन अगर आप उसको स्मूदी में यूज़ करोगे, 2-3 बनानास यूज़ कर रहे हो, देन इट विल मेक यू लाइक मोर बल्की. इंडिविजुअल से इंडिविजुअल लाइक इट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म एंड द मेथड. मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कुकिंग मेथड हो या प्रिपरेशन मेथड हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है. जस्ट सपोज लाइक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ एनी फूड आइटम. एक फूड आइटम आप पकड़ लो, वो फूड आइटम आपको मोटा भी बना सकता है, पतला भी बना सकता है. डाइट ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर एक लिस्ट है जिसको आप फॉलो करने से आपका वेट गेन बढ़ जाए गेन हो जाएगा, और पर्टिकुलर एक लिस्ट है उसको फॉलो करने से आपका वेट लूज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब सबके लिए अलग, सबके लिए अलग होता है. एंड अमाउंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना अमाउंट में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कौन से टाइम में ले रहे हो, एंड कितना पोर्शन में ले रहे हो. दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी
important. Or like I have seen a lot of people going into like hardcore dieting. Yes. Some people also stay in liquid diet. They maintain a liquid diet. Yes. So, but I don't see much difference in their the weight loss or whatever. So like, I would like to cross question this thing. कि अगर आपने ऐसा देखा भी होगा, like कि someone is following liquid diet and then that person is losing weight. हाँ. ये भी आपने देखा होगा कि that person is losing weight. But if that person is known to you, you'll see that 1 month, 2 months में that person has lost around 4 kgs, 5 kgs whatsoever. Yeah. Then again, you'll see that person after 2 to 3 months, and that person is again back to the normal diet. Exactly. Then you'll see ki that person has gained more. बहुत और ज़्यादा gain हो जाता है. That is something that I have noticed. Yes. Yeah. तो sustainability is a very important factor when it comes to diet. Whenever a person comes to me, visits my clinic also, then सबसे पहले तो I try to convince them to go for a balanced diet always. Okay. You should not go for extreme calorie deficit diet or ऐसे dieting नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका health एक तो deteriorate हो जाएगा. If you are taking a very low calorie diet, no, then you'll like leach out nutrients from your body, you lack protein. First of all, जब कोई भी liquid diet या कुछ भी follow करता है, then what happens is like you lose water from your body, first of all. Water, you'll lose the water weight. Secondly, you'll lose the muscle mass. Because fat mass lose करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है. थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें. सो वेन एवर यू आर फॉलोइंग अ बैलेंस डाइट, व्हाट हैपेंस इज लाइक आपका फैट का जो प्रोपोर्शन है, मसल का प्रोपोर्शन है, वाटर का प्रोपोर्शन है, सब चीज़ को फोकस करते हुए आपको न्यूट्रिशन भी मिले और आपका वेट भी कम हो. एंड हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ वेरी एसेंशियल, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. मेटाबॉलिज्म में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं. वन इज़ योर like diet, second is your physical activity, third is your sleep cycle. Sleep cycle also plays a very important role when you have to lose your weight. If your sleep cycle is not good, just suppose you're not sleeping for around like 7 hours or 8 hours, minimum 6 hours if you're not sleeping, then definitely you'll struggle with your weight. You cannot lose your weight by like sleeping just for 3-4 hours. Ek time tak aap lose kar loge, but uske baad fir aapka wo cheez stuck ho jayega. Because stress hormones, and stress is also a very important point. If your work stress is very very high, or वैसे सिचुएशंस में भी लाइक वेट लूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू लाइक डाइटिंग और डाइट. एंड देन देयर इज अ मिथ, आई डोंट नो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, बट आई वुड लाइक टू आस्क, यस यस, डज इट मेक अस गेन वेट इफ वी टेक आफ्टरनून नैप्स? नो, उससे कुछ वैसा टाइप का इफेक्ट नहीं होगा. Until and unless you are sleeping for 2-3-4 hours at that time. Okay. उतना तो कोई नहीं सोता है. Afternoon sleep is because around like, I ask my friends, like I don't ask them, but then they generally say that I've been gaining a lot of weight. Then if I ask them that what's the reason, and then say नहीं दोपहर को आजकल बहुत सोने लगी हूँ, that may be the reason. No. Actually उसमें क्या होता है ना, like if you are eating your meal by maybe, just suppose you're having your meal by 2 PM and immediately after eating आप सो रहे हो, तब थोड़ा सा इफेक्ट होता है. मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है ना, तो फिर हम लोग का लाइक जो भी वेट है वो गेन होता है. सो इफ आप खाना खाने के बाद लाइक टू यू टेक अ वॉक ऑफ अराउंड 10 to 15 minutes, देन आफ्टर दैट लाइक हाफ एन आवर बाद इफ़ यू आर स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर और 1 hour, दैट विल रेज योर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म हाई ही करेगा. एंड इफ in most of the cases, those people they sleep at afternoon hours, जिसका रात को नींद पूरा नहीं हो रहा है, तब तब तो आपका नींद पूरा करना भी आपके बॉडी के लिए बैलेंस हो जाता है कि रात को मैं 3-4 घंटे सोई. नहीं, वो बैलेंस नहीं होता. रात का स्लीप और दिन के स्लीप में बहुत फर्क होता है. बिकॉज रात के टाइम में क्या होता है, वेन एवर द सन गोज डाउन, नो, उस टाइम पे हम लोग के बॉडी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे आपका स्लीप साइकिल जो है वो एनहेंस होते जाता है. सर्कैडियन रिदम, यू हैव हर्ड अबाउट द सर्कैडियन रिदम, राइट? जो सन बेसिकली क्या होता है, सर्कैडियन रिदम इज समथिंग विच, जैसे आप सुबह उठे, उठ के आपका जैसे आपका जो भी दिनचर्या आपका लाइक
यू वेक अप बाय 5 AM और 6 AM और 7 AM वॉट एवर इज़ द केस. उसके बाद आपका सनसेट जब तक होता है तब तक आपका हॉर्मोन्स जो है वो पीक में रहता है. उसके बाद आपका जब भी सनसेट होता है लाइक व्हेन इट्स डार्क स्टार्ट डार्कनिंग नो, उसके बाद आपका हॉर्मोन्स बॉडी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं तो उससे क्या होता है आपका स्लीप एनहेंस होता है. बेसिकली हमारा स्लीपिंग टाइम जो है आप रात के 2 बजे या 3 बजे के बाद जब आप सोते हो ना आपको स्लीप में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है. अगर आप वो चीज़ नोट करोगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है बिकॉज वो हॉर्मोन्स फिर से डाउन हो जाते हैं. सो बेसिकली उसके कारण ही आपका लाइक स्लीप साइकिल एक सर्कैडियन रिदम मेंटेन करना ज़्यादा अच्छा होता है. यू मस्ट हैव हर्ड कि कोई भी आप लाइक एक रूटीन फॉलो करते होगे तो आपको बोला गया होगा कि कुछ भी रूटीन फॉलो करो लेकिन एक ही टाइप का रूटीन फॉलो करो, टाइमिंग फॉलो करो. द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट रात का स्लीप जो है उसके साथ दिन का स्लीप आप कंपेयर नहीं कर सकते. बट दीज डेज पीपल हु आर वर्किंग, अभी जैसे कोई एक इंडिविजुअल है जिसका नाइट शिफ्ट है वो क्या कर सकता है? वो तो कुछ नहीं कर सकता है. उसे हम नहीं बोल सकते कि आप सो ही मत बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग एट नाइट. दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो आदमी सोना ही बंद कर दे, राइट? सो ही और शी हैज टू स्लीप एट आफ्टरनून टाइम और वट एवर इज हिज शिफ्ट. सो उस हिसाब से. बट इफ यू आर ब्लेस्ड विद अ शिफ्ट विच इज लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और वैसा है तो फिर ट्राई टू अवॉइड स्लीपिंग एट आफ्टरनून आवर्स, जस्ट स्लीप एट इवनिंग आवर्स जो रात का सोने का टाइम होता है. एंड even eating time also matters a lot. Try to keep a gapping of around 2 hours before मतलब जो आपका dinner है और आपका sleep जो time है उसके बीच में 2 घंटा आप अगर आप रख सकते हो एक difference तो फिर वो ज़्यादा better. Is there any ideal time for you for having dinner? आइडियल टाइम तो नहीं कहूँगी बिकॉज क्या होता है ऐसे अगर हम देखें तो जो पहले एंशियंट टाइम में कहा जाता है कि सनसेट से पहले डिनर होना चाहिए वो तो सबसे बेस्ट है. ओके वो सबसे बेस्ट होता है बट अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल कंडीशंस. आप अगर अभी अगर मैं बोलूँगी आपको कि 5 बजे आप डिनर कर लो, इज इट पॉसिबल? 5 बजे तो आप ऑफिस में रहो. सो वी विल हैव टू टेक आवर डिनर एट द ऑफिस. सो यू हैव टू टेक योर डिनर एट द ऑफिस. सो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अभी जैसे मेरा कभी अगर काम मतलब क्लिनिक में थोड़ा जल्दी ओवर रैप अप हो जाता है देन आई हैव माई डिनर बाय 7 PM. मोस्टली आई हैव माई डिनर बाय 7 PM एंड मैक्स टू मैक्स होता है 8 PM. तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि रात को डिनर मतलब लेट से करना ही नहीं है, डिनर ही स्किप कर देना. बहुत लोग क्या करते हैं लेट हो जाएगा करके वो लोग डिनर ही स्किप कर देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए. बट यस थोड़ा अर्ली डिनर होने से इट्स बेटर बिकॉज एक टाइम मिल जाता है ना बिफोर यू स्लीप यू गेट अराउंड 2 to 3 hours ऑफ गैपिंग सो दैट इज गुड. एक्चुअली फूड ऑल्सो गेट्स डाइजेस्टेड बिकॉज रात को जब आप सोते हो तो आपका बॉडी भी रिपेयरिंग स्टेज में रहता है. आप वर्कआउट करते हो या आपका स्किन का रिपेयर होता है, आपका सेल रिपेयर होता है, वो सब जो है वो सब रात के टाइम में होता है व्हेन यू स्लीप. सो इफ़ यू हैव योर मील बाय अराउंड 11:30 एंड यू आर स्लीपिंग बाय 12 देन आपका बॉडी तो डाइजेस्ट करने में ही पूरा टाइम निकाल देगा. तो आपका जो रिपेयरिंग या हीलिंग प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अर्ली डिनर? बेनिफिट्स बोले तो कैसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक मेटाबॉलिज्म करेक्ट रहता है बिकॉज बेसिकली हम लोग का हॉर्मोन्स जो है एक डिनर या कोई भी मील लेने का एक बहुत अच्छा मतलब टिप देना चाहूँगी. बेसिकली वेन एवर यू कंज्यूम योर मील्स ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, एनीथिंग. बिकॉज क्या होता है हम लोग का खाना जो है ना 20 मिनट्स लगता है हमारे बॉडी से. 2 hormones आर रिलीज व्हेन वी ईट. वन इज ग्रेलिन हार्मोन एंड वन इज लेप्टिन हार्मोन. वन सेज ग्रेलिन हार्मोन क्या करता है वो ग्राउल करता है, मतलब हमें कहता है कि भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है. एंड लेप्टिन हार्मोन क्या करता है हमें मतलब स्टॉप करता है. जैसे कि अगर आप खा रहे हो एक टाइम होता है ना कि आपका ब्रेन बोलता है कि हाँ अभी खाना बंद कर दो, राइट? वैसा हो जाता है ना कि हाँ मतलब ये
स्टमक इज़ फुल. सो दैट इज़ बेसिकली लेप्टिन हार्मोन का काम है. सो बेसिकली हम लोग जब खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे एक 20 मिनट्स का गैपिंग के बाद लेप्टिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है. सो वेन एवर यू च्यू प्रॉपरली, आपका मील अगर आप अच्छे से च्यू करते हो, अगर आप अच्छे से लाइक अपना मील में टाइम लेके खाते हो या स्क्रीन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, तो भाई 20 मिनट्स आपका बॉडी जो है लेप्टिन हार्मोन ब्रेन रिलीज कर देता है. तो उससे क्या होता है, आप पोर्शन में खाते हो और आपको पता होता है कि आपने कितना खाया, आपके प्लेट में कितना खाना है. अदरवाइज वेन एवर यू आर फोकस इज ऑन लाइक टेलीविजन और एनी काइंड ऑफ लाइक मीडिया और वट एवर, तो उसमें क्या होता है, आपका फोकस जो ब्रेन का फोकस है वो तो डिवाइडेड है ना, इधर आप खाना भी खा रहे हो और उधर आप देख भी रहे हो, तो आपका लेप्टिन हार्मोन जल्दी रिलीज नहीं होता है. एज अ रिजल्ट यू ओवर ईट. ओके, ओवर ईटिंग हो जाता है. जैसे आप देखो ना, लाइक वन बोल ऑफ पॉपकॉर्न जो आप मूवी हॉल में जाके खा लेते हो, घर पे आप इतना बोल तो नहीं खा पाओगे. नहीं खाओगे, मतलब कॉन्शियस ईटिंग अगर होगा तो यू विल डेफिनेटली नॉट हैव दैट बोल ऑफ लाइक पॉपकॉर्न ऑल्सो नो. सो दैट्स द थिंग, बेसिकली वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. एंड टाइमिंग का क्या होता है, जितना जल्दी आप खाओगे उतना अच्छा क्यों है, बिकॉज उसके बाद आपका बॉडी डाइजेस्ट करने में टाइम मिल जाता है, डाइजेस्ट होने में. तो मैंने जैसे कि बोला तब कि रिपेयरिंग में टाइम मिलता है बॉडी में, एंड मेटाबॉलिज्म भी करेक्ट रहता है उसमें. एंड वैसे लाइक सेवरल बेनिफिट्स, वही सारे बेनिफिट्स है जो कि मतलब होते हैं अगर आप अर्ली डिनर करते हो. और एक ऐसा मैंने बचपन से सुना है, हाँ, तो मम्मी भी बोलती है खाना खाने के बाद 101 स्टेप्स करो. ओके, मतलब मतलब पैदल जाओ 101 स्टेप्स. तो ये हेल्दी है या बस एक मिथ है? नहीं, मिथ तो नहीं बोलेंगे इसको. यस, खाना खाने के इमीडिएटली बाद एकदम डायरेक्ट पूरा ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहिए, बट लाइट वॉक अगर आप जैसे कि आपके पास घर के अंदर ही आपका स्पेस है या आपका बैल्कनी है, उधर में आप हल्का हल्का वॉक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो मिथ नहीं है, वो अच्छा ही प्रैक्टिस है. लेकिन यस, लाइक खाना खाते खाते, जैसे आप खाना खाते खाते पूरा पानी का ग्लास लेके आप वॉक करने लगे, वो एक गलत हो जाए. बट देन आफ्टर ईटिंग योर मील्स, इफ़ यू टेक लाइक 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ वॉक, दैट इज़ फाइन. नॉट इमीडिएटली, लाइक take a gap of around 10 minutes or something. Yes, you should not take a nap, you should not sleep, or you should not sit, or matlab waisa type ka activity nahi karna chahiye immediately after eating your meals. Matlab hamare ghar mein aisa hi hota tha ki mummy pura sabko aise kar dete the तुम लोग 5 मिनट बैठो, उसके बाद 101 स्टेप्स करो. वो अच्छा है, मम्मी का जो लाइक नुस्खा है वो बहुत अच्छा है. वो अच्छा है. तो फिर आल्सो आई विल आस्क यू अबाउट स्पेशल डिश फ्रॉम अशाम, इट्स खार. ओके, तो हाउ हेल्दी इट इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? यस, खार जो है लाइक इट्स वेरी कॉमन इन लाइक हम लोग के हमारे यहाँ तो कॉमन है, बट वहाँ जाके कुछ स्पेशल फूड हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई ऐड द वर्ड स्पेशल, बिकॉज इन एवरी हाउस होल्ड, मतलब किसी को भी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी खार खाई लुआ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो खार खाने से ठीक हो जाएगा. मतलब सबका यही कहना होता है कि खार, मतलब डेफिनेटली इट वर्क्स ऑल्सो, बिकॉज बेसिकली वो बनाना पील से ही बनता है, मतलब वो करके. तो उसका बेनिफिट्स आपका गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लाइक आपका स्टमक हेल्थ के, अगर आपका गट माइक्रोबायोम, मतलब गट में भी तो हेल्दी गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों रहता है ना, तो वो गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा इंक्रीज करता है गट में. ओके, आपका जो भी मतलब कंस्टिपेटेड अगर आप रहते हो या आपका कोई भी गट रिलेटेड इश्यूज़ है, तो वो चीज़ उसको हील करता है. तो खार इज़ अ वेरी गुड फूड आइटम. इट्स लाइक अ मेडिसिन. इट्स अ मेडिसिन, बेसिकली इट्स अ मेडिसिन. एंड स्पेशली इन असम, कोई भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो, घर में सबसे पहले बोलेंगे गैस का मेडिसिन नहीं लेना, खार खाओ, सब ठीक हो जाएगा. ओके रिद्धि, यू वांट ओके खार एंड ओमिता लाइक इन पपाया. हां तो खा. एंड आल्सो वन थिंग दैट इज लोग बोलते हैं कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू शुड ड्रिंक दैट, देन यू विल फील बेटर. दैट्स अ वेरी गुड ड्रिंक. एंड वो मतलब आपके
हंगर को भी जैसे हंगर का इशू हो रहा है तो मैंने ये खा लो उसके बाद भूख लग जाएगा इवन फॉर लाइक सम पीपल हु आर लीन नो मम्मी लोग बोलते हैं कि अगर मोटा होना है तो ठेकेरा पानी थोड़ा सा ले लो उसके बाद खा जाओ मतलब ज्यादा डाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा. मैंने ऐसा लोग भी देखे हैं कि वो लोग बहुत पतले हैं लेकिन बहुत खाते हैं और हमारा मेरा सर ऐसा होता है कि मैं पानी भी खा लूं मैं मोटी हो जा रही हूं. सो बेसिकली उसमें तो व्हाट इज द इशू इन दैट. हां उसका कारण एक ही है दैट्स योर मेटाबॉलिज्म. ओके अ पर्सन लाइक शी माइट हैव डिफरेंट मेटाबॉलिज्म यू माइट हैव डिफरेंट मेटाबॉलिज्म एंड मी मेरा अलग हो सकता है. ओके सो बेसिकली सिंगल इंडिविजुअल एज आई मेंशनड अर्लियर एक आदमी है जो कि 80 केजीज है अनदर पर्सन हु इज 80 केजीज सेम हाइट है सेम एज है मतलब दोनों फ्रेंड्स है बेस्ट फ्रेंड्स है एक जन एक ऐसा है जो दिखने में थोड़ा सा हेल्दी लगता है 80 केजीज है एक दिखने में लीन लगता है 80 केजीज है. सो मसल मास दोनों का फैक्टर रहता है मतलब एक में फैट ज्यादा रहता है एक में मसल ज्यादा रहता है एक का मेटाबॉलिज्म हाई रहता है एक का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है. सो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है कि आप BMR जो हम कहते हैं ना हम लोग चेक करते हैं बॉडी मास इंडेक्स जो है बॉडी मास इंडेक्स बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है मेटाबॉलिक रेट बेसिकली कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ब्रेक डाउन होता है बॉडी में और ब्रेक इन होता है जो कंबाइन होता है न्यूट्रिशन का. तो उसका क्या होता है मेटाबॉलिज्म में जैसे मैंने बोला तीन फैक्टर लाइक स्लीप फूड एंड एक्सरसाइज. मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो उसके वही तीन फैक्टर्स होते हैं. मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होता है जैसे आप अभी अगर आप रनिंग करके आओगे मेरे पास भाग भाग के आ रहे हो कि मनीषा मैं अभी पूरा रनिंग करके आ रही हूँ अभी अगर आप चेक करोगे अपने मशीन में या जहाँ पे BMR चेक होता है तो वहाँ पे अगर आप चेक करोगे आप देखोगे कि योर मेटाबॉलिज्म इज हाई एज कम्पेयर टू नॉर्मली अगर आप बैठे हुए हो एज कम्पेयर टू दैट इफ़ यू कम रनिंग नो दैट टाइम योर मेटाबॉलिज्म विल बी हाई. खाने के साथ साथ इमीडिएटली योर मेटाबॉलिज्म विल बी हाई. सो बेसिकली क्या होता है रेस्टिंग स्टेट में जो एनर्जी यूज होता है बॉडी हम लोग रेस्टिंग स्टेट में मेटाबॉलिज्म चेक करते हैं कि आप बैठे हुए इतने देर से मैं भी बैठी हुई यू आर ऑल्सो सिटिंग शी इज ऑल्सो सिटिंग सो एट दिस पीरियड ऑफ टाइम इफ आई चेक माई मेटाबॉलिज्म नो वो एक्चुअली एक्यूरेट मतलब मेटाबॉलिज्म हम लोग का चेक होता है वैसे बिकॉज कारण बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो उसका कारण क्या है आप जब एक्टिविटी करोगे मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा ही लेकिन आप जब एक्टिविटी नहीं करते हो उस टाइम पे योर बॉडी इज एनर्जी यूजिंग द एनर्जीज एनर्जी कितना यूज हो रहा है कितने अमाउंट में यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली योर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट. ओके तो दैट इज योर BMR. सो BMR अगर आपका स्लो है एक बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहूँगी जैसे कि लोग क्या सोचते हैं कि वेट लॉस करने का मतलब है खाना कम खाना खाना कम खाने से सोचते हैं कि वेट लूज हो जाएगा दैट्स नॉट द फैक्टर. अब अगर आप खाना कम खाओगे लाइक यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट बट योर बॉडी इज स्मार्टर देन यू योर बॉडी इज स्मार्टर देन यू. अगर आप जब भी आप खाना स्किप कर दोगे या बंद कर दोगे ना तो क्या होगा बॉडी एक एनर्जी स्टोरिंग मोड में चला जाता है कि उसको पता होता है कि अभी मुझे खाना नहीं मिलने वाला है. एक दो दिन आप एक काइंड ऑफ डाइट फॉलो करो थर्ड डे से बॉडी गेट्स अडेप्टेड टू इट बिकॉज जैसे कि कोविड का टाइम पकड़ लो कोविड के टाइम में लोग अडेप्टेड थे ना जैसे कि आप अभी घर में जितना राशन ज़रूरी होता है लाइक जैसे सपोज दाल चावल आलू या सब्जी या कुछ भी लाइक द अवेलेबिलिटी राइट नाउ एट आवर होम एंड ड्यूरिंग कोविड इज डिफरेंट राइट. कोविड में थोड़ा सा कम अवेलेबिलिटी था वी लर्न टू एडजस्ट. नॉन वेज नहीं भी मिल रहा था तब भी हम लोग एडजस्ट कर रहे थे. शी लव्स मीट शी लव चिकन. सो दैट्स द थिंग जो एडजस्टमेंट होता है ना तो बॉडी ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट ओनली बॉडी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. वेन अगर आप ट्रिक करोगे उसके साथ सोचोगे कि मैं कम खाना खाऊंगी तो उसको भी समझ में आ जाएगा वो बैकफायर कर देगा. हाँ एनर्जी स्टोरिंग मोड में चला जाएगा. एज अ रिजल्ट वॉट एवर यू आर ईटिंग बॉडी थिंक्स दैट आई हैव टू स्टोर दिस फॉर लाइक एक्टिविटीज तो वो फैट्स के हिसाब से बॉडी में स्टोर कर लेता है एंड रिलीज नहीं हो पाता है. एज अ रिजल्ट वेट बढ़ता है या जो भी है मतलब other consequences. Maybe that is the problem with me. Yes. So,
यू सेड दैट यू हैव अर्ली डिनर लाइक एट अराउंड 7. सो आई एम अज्यूमिंग दैट दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर ग्लोइंग स्किन. एंड देन माय लास्ट क्विक क्वेश्चन, सो व्हिच वन वुड यू रेकमेंड, डाइटिंग और एक्सरसाइज? Dieting would be a wrong term here. Okay. Diet and exercise both are important. आप दिन में एक घंटा दो घंटा उससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाओगे. लाइक इवन इफ यू आर गोइंग टू जिम और यू वॉक और इफ योर प्रोफेशन इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लाइक फिटनेस और लाइक योर बॉडी बिल्डिंग और वट एवर, अगर वो प्रोफेशन नहीं है तो लाइक दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर दोज प्रोफेशन दे विल बी वर्किंग आउट फॉर लाइक मे बी 2 hours, 4 hours, वट एवर, राइट? बट फॉर अस लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स लाइक अस, वी हैव ऑफिस, we have household works and we have many other things to do throughout the day, right? So ek din mein hardly will take out like 1 hour ya 2 hours se zyada hum log time nahi nikal pate hain, because that's not possible actually. So waise situations mein hum log workout kitna karenge, ek ghanta karenge, usse zyada to nahi ho pata hai. So exercise is a very important thing jo ki sabko karna chahiye. Any kind of physical activity will work. Not necessarily आप जिम में जाओगे तभी आपका जस्ट नॉर्मल वॉकिंग विल नॉर्मल वॉकिंग विल ऑल्सो नॉर्मल वॉकिंग भी चलेगा, रनिंग भी चलेगा, साइकिलिंग भी चलेगा, या जिमिंग भी चलेगा, या एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. योर हार्ट हार्ट का जो बीट है वो थोड़ा सा आपको, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट देन आई हैव हर्ड दैट इवन इफ वी स्वीप एंड ब्रूम द फ्लोर्स ऑफ आवर होम उसमें भी एक्टिविटी होता है, वो भी काम कर देता है, मैंने सुना है. पता नहीं ये मेरी मम्मी ने मुझे ट्रिक कर दिया या फिर ये सच में है, बट देन शी यूज्ड टू से ना कि इफ आई स्वीप द फ्लोर्स आल्सो इट विल वर्क. एंड देन इट वर्कड एक्चुअली इफ आई रिमेम्बर after my matric, because belly I used fat, to I think so should I recommend it to people like you should sweep floors. actually kya hai, yes, sweeping brooming is also a kind of activity, but that's not a something मतलब आप डेडिकेटेडली वो चीज़ नहीं करते हो, राइट? स्वीपिंग पूरा घर आप बार बार तो घिसते नहीं रहोगे, राइट? अंटिल एंड अनलेस आपका घर बहुत बड़ा है, आपको पूरा ऊपर का फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपको पूरा स्वीप करना है, तब आपका बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाता है. अदर देन दैट लाइक फॉर अस 2-3 रूम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाता है. यस, मॉम ट्रिक नहीं कर रही है, लेकिन ये है कि हाँ, मतलब उसके अलावा और भी एक्टिविटी होना चाहिए, खाली दैट इज़ नॉट इनफ. ओके, वो इनफ नहीं है. एंड डाइटिंग में हाँ, हेल्दी भी है. एंड डाइटिंग का जो पार्ट है, डाइटिंग का कैसा होता है कि बेसिकली आप कोई भी डाइट, मैंने बोला ना, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एक्चुअली. डाइट कम्स अप फ्रॉम समथिंग, अभी जैसे कोई भी आप मेरे क्लिनिक में आ रहे हो, राइट? यू आर माई क्लाइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एज, हाइट, वेट सब चेक कर लूँगी, लेकिन मुझे उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं डाइट प्लान करने से पहले. फर्स्ट थिंग इज़ योर इकोनॉमिक स्टेटस, आप कितना आप अफोर्ड कर पाओगे, क्या कर पाओगे, वो चीज़ भी मुझे देखना पड़ेगा. आपका घर में कौन खाना बना रहा है, जस्ट सपोज यू आर कुकिंग बाय योरसेल्फ, यू हैव टू कम टू ऑफिस ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर योर टिफिन, यू हैव टू प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू प्रिपेयर योर डिनर. तो आपके पास, मैं ऐसा डाइट नहीं दे सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो, टाइम लग जाए बनाने में, तो आप भी इरिटेटेड हो जाओगे, एक महीना फॉलो करोगे उसके बाद बंद कर दोगे. सो डाइट शुड बी अ वेरी पर्सनल थिंग. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 80% एज यू ऑल नो 80% इज डाइट. बिकॉज दिन में एक घंटा आप वर्कआउट करोगे, बाकी 24 घंटा में आप अगर 8 घंटा भी लाइक सो रहे हो, तो बाकी का टाइम तो यू आर मंचिंग समथिंग और द अदर थिंग, राइट? सो यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर गोइंग एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट. यू हैव टू लुक आफ्टर मैनी थिंग्स. जैसे आप कौन बना रहे हैं, अगर आपकी मम्मी बना रहे हैं, मम्मी घर पर अवेलेबल है, तो मम्मी कैसा टाइप का डाइट मतलब करती है. जैसे कोई किसी का हैबिट होता है थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ करने का, किसी हाउस होल्ड में ऑयल कम यूज़ होता है, स्पेशली असम में तो थोड़ा ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. स्पेशली वी आर यूज टू हैविंग नॉट दैट सो ऑयली फूड, इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. सो डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो अल्टीमेटली इट्स द बैलेंस. बैलेंस बैलेंस इज द की. बैलेंस. या
और मम्मी के डाइट्स में हेल्दी है बट ट्रिक है मतलब है. हाँ ऑल्सो कमिंग बैक टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कोई डिश है नॉर्थ ईस्ट का जो भी मतलब हेल्दी है बट इतना पॉपुलरिटी नहीं है, मतलब फोकस नहीं हो रहा है? ओके तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा डिश होगा? एक्चुअली आजकल तो जब से मास्टर शेफ आ गया है उसके बाद से तो सब डिश ही पॉपुलर हो गए हैं. ऐसा नहीं है कोई भी डिश जो मतलब लोग नहीं जानते हैं. बट जो भी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ अच्छा है कि लाइक यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला ना लाइक टू बॉइल काइंड ऑफ कुजींस एडिंग साग एंड ऑल एडिंग लीव्स एंड पल्सेस इन लाइक वट एवर वी आर कुकिंग. जैसे कि बाहर अगर आप फिश करी भी लोगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पूरा तरी वाला झोल होगा विद लॉट्स ऑफ ऑयल, लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, पूरा रेड कलर वैसा मसाला टाइप. बट हियर पीपल दे यूज लाइक हाग एंड ऑल दीज लाइक, मतलब हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं वो अच्छा बन जाता है. तो कुछ भी ऐड करो अच्छा बन जाता है. तो दोज थिंग्स पीपल शुड लुक अप टू, मतलब कि कैसा टाइप का यहाँ पे डाइट फॉलो होता है, क्या यहाँ पे लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स है, वो सारे चीज़ों पे ही फोकस होना चाहिए. और यहाँ पे और एक चीज़ ड्रॉबैक भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पे लोग आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं. ये चीज़ भी आप डिनाई नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, मतलब टिक्का इज द मेन लाइक इम्पोर्टेंट, मतलब हाँ आलू पिट्टी का. तो ये तो लोगों में भी अप्लाई है, तुम तो आलू हो सबके साथ मिल जाते हो. सो That also should be keeping into consideration. Basically क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि आलू को वेट लॉस में नहीं लेना चाहिए, बट आलू का प्रिपरेशन मेथड भी लाइक इम्पॉर्टेंट होता है. बेसिकली इफ़ यू बॉयल द आलू बॉयल करके अगर आप ऐसे ही ले रहे हो तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेट लॉस में हेल्प करता है बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. बट वेन एवर यू लाइक मेक भाजा आउट ऑफ इट बाई यूजिंग ऑयल और यू आर हैविंग फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दिस जो अवेलेबल रहते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स है या जो बाकी के प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करो. बॉयल या स्टीम में तुम ले सकते हो उस चीज़ में, मतलब कोई मतलब ये ऐसा है क्या कि बॉयल कर देने से वो हेल्दी हो जाता है? ऐसा नहीं है बिकॉज कुछ आइटम्स फूड आइटम्स ऐसे भी है जिसको बॉयल करने के बाद आपका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है. सो स्टीमिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. यस आलू का मैं बोल रही हूँ बॉयल ठीक है, बट अदर देन दैट इफ इट कम्स टू वेजिटेबल्स देन टू मच बॉयल करने से भी उस लाइक न्यूट्रिशन लीच आउट हो जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि ढक के बनाना चाहिए. कुकिंग मेथड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल मतलब डोंट थिंक अबाउट और मतलब उसमें फोकस इतना ज़्यादा नहीं है. जैसे कि ग्रिल आइटम हो गए या आजकल तो एयर फ्रायर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो एयर फ्राई कर सकते हो आप फूड आइटम्स में, उसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है. या स्टीम कर सकते हो या बॉयल भी कर सकते हो, लेकिन स्टीमिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन. स्टीमिंग में क्या होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स यू आर टेकिंग कैरट्स और बीन्स और वट एवर, लाइक वेन एवर यू कुकिंग योर राइस यू कैन जस्ट ऐड दोज वेजिटेबल्स एंड देन लाइक वो स्टीम हो जाता है, मतलब वो बॉयल हो. लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बहुत टाइम तक आपको पानी में उबालना पड़ता है, तो उसमें आपका लाइक न्यूट्रिशन भी लीच आउट होता है. ओके ओके वही सारे लाइक प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस आल्सो लाइक नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन कि कौन सा प्रोसेस में आप कुक कर रहे हो, कितना आपका ऑयल इनटेक है, कितना आप ऑयल यूज़ कर रहे हो फूड बनाते टाइम में, तो वो सारे चीज़ें लाइक. हाँ सो एनफ ऑफ आवर क्वेरीज, हमने बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए. तो अभी मैं पूछना था, सिंस व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू बिकम ए डाइटिशियन? सो व्हाट पुश्ड यू? पुश्ड मी एज इन की लाइक आई स्टार्टेड माय कोर्स बाय 2013. स्टार्टेड माय जर्नी एज अ डाइटिशियन, मतलब मैंने जस्ट बैचलर्स ज्वाइन किया था उस टाइम पे. तो व्हाट पुश्ड मी कि फैमिली में भी एक जैसे एक लाइक हेल्थ के रिलेटेड सब कोई एसोसिएटेड है फैमिली में. सो समवन इज डॉक्टर, समवन इज समथिंग. तो घर पे भी वो एक है और एक लाइक डाइटिशियन का मुझे चीज़ थोड़ा अट्रैक्ट किया बिकॉज जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे तो देयर वाज नॉट, मतलब इतना अवेयरनेस ही नहीं था. इनफैक्ट लाइक आफ्टर कोविड डाइट के रिलेटेड लाइक
क्लाइंट्स हो या लोग ज्यादा मतलब हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, बिकॉज पीपल थॉट कि लाइक डाइट तो क्या है, मतलब कुछ भी आप वेट लूज, डाइट का मतलब ही था कि वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, और उसके अलावा उसके बियॉन्ड लोग सोच ही नहीं पाते थे कि डिजीज मैनेजमेंट भी डाइट से हो सकता है. इनफैक्ट लाइक आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल. वन ऑफ माय क्लाइंट, शी हैड पीसीओडी. ओके. तो शी सफर्ड फ्रॉम पीसीओडी, शी वाज 20 इयर्स ओल्ड. उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब अराउंड 127 केजीज और समथिंग लाइक दैट. सो उस वो शी चोज टू कम टू मी. शी वाज माय फर्स्ट क्लाइंट. ओके. सो दैट्स अ वेरी लाइक मेमोरेबल थिंग फॉर मी. सो वो आई मेरे पास, बोली बा मोर एनेकवा एनेकवा पीसीओडी होइसे. शी हैड पीरियड्स 8 मंथ्स में होता था उसका. ओके. एवरी 8 मंथ्स में पीरियड्स होता था. तो लाइक शी टोल्ड मी कि डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी दिस एंड दिस मेडिसिन, बट आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन, सो कैन यू हेल्प मी. मैंने बोला ठीक है, मतलब करने में क्या जाता है, लाइक जब अगर होता है एक थोड़ा सा, मैंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज 8 मंथ से मैं 2-3 महीने में रेगुलर तो नहीं करा सकती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा टाइम में दिस विल बी लाइक अ प्रोसेस, लाइक अ ट्रीटमेंट. सो शी एट एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि पीसीओडी में ग्लूटेन फ्री खाना है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, वैसा टाइप का जो भी मतलब एक वो होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है. ठीक है. तो बट उसको सूट करता था, तो आई गेव एवरीथिंग टू ईट. बस थोड़ा सा कैलोरी में मैंने डेफिसिट किया उसका. वैसे करते करते 3 मंथ्स के अंदर में उसका 8 मंथ्स से 3 मंथ्स में पीरियड स्टार्ट हो गया. उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका 1.5 मंथ्स में आ गया. एंड नेक्स्ट कुछ दिनों बाद शी हैड रेगुलर पीरियड्स, शी लॉस्ट अराउंड 30 केजीज, एंड देन शी वॉज ईटिंग एवरीथिंग शी लाइक्ड. शी डिड लाइक मॉडरेट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. उसको जिम भी नहीं जाना था, तो मैंने घर पर ही लाइक एक्टिविटीज सजेस्ट कर दिया था. तो उससे लाइक शी लॉस्ट 30-40 केजीज, एंड देन शी ऑल्सो लाइक क्योर्ड हर पीसीओडी, मतलब उसका पीसीओडी विदाउट मेडिसिन ठीक हो गया. तो डाइट का वैसा ही एक रोल होता है, मतलब एक इंडिविजुअल के लाइफ में. मैजिक नहीं कहूँगी, हाँ मतलब उसके लिए तो हाँ अच्छा वो था, और मेरे लिए भी बहुत एक अच्छा मोमेंट है, बिकॉज़ मेमोरेबल था. अभी तो आप शेयर कर रहे हो ना हमारे साथ, ऐसा वही चीज है. सो बर्स्टिंग ऑल आवर बबल्स, एंड आल्सो आवर कलीग्स हैव सम क्वेश्चंस. यस. सो दे वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. श्योर. सो यू सिट हियर एंड वी विल गो एंड आस्क देम. श्योर. ओके. माय क्वेश्चन वुड बी अ वेरी जनरल वन. Said that food makes us happy. Yes. If you are sad, grab something and then eat, and then your heart is content. And also we get to hear from our elders, from people who are concerned about our health also. Don't eat junk food. It will make you sad. It's actually not healthy for you. But ulta hota hai na. But what? Junk food makes me happy. Yes. How will I satisfy my heart which craves for junk food? And I have to keep the people also happy with that. So how will I balance both of them, my heart and people's heart? So people's heart, people ka heart to like they'll say many things, but yes, junk food is not healthy. Basically kya hota hai, whenever we think about like food, no, like nutrition or food or jo bhi ek matlab perspective hota hai, we think ki जंक फूड मेक्स अस हैप्पी बिकॉज उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं. जस्ट सपोज यू हैव चीज़, यू हैव एनी काइंड ऑफ शुगरी आइटम्स, और यू हैव एनी काइंड ऑफ लाइक हाई सोडियम आइटम्स, जैसे कि चिप्स या लाइक चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज, और लाइक मेनी ऑफ यू मस्ट बी ड्रूलिंग और सो, ये मतलब सुन के ना कि मतलब हाँ ये खाने से तो सच में मज़ा आता है. बट बेसिकली क्या होता है, ऑल दीज फूड आइटम्स हैव those kind of ingredients which is very addictive actually. मैं एक और एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, इफ इट्स नॉट लाइक टू लेट. मेरी एक क्लाइंट है, शी वॉज माई क्लाइंट. वो क्या करती थी, 1/2 kg केक वो एक बार में खा सकती थी. कैन यू इमेजिन 1/2 kg केक वो एक बार में, मतलब खाना इज नॉट अ लाइक दैट वर्क्स फॉर मी एज वेल. आई कैन ईट 3 बर्गर्स एट वन गो. हाँ.
So I'm happy if I have a fight with my mom and she will say, today you won't be getting dinner. And I will say, don't worry, Zomato and Swiggy is there. And I will buy, I will like order 3 burgers and I will eat in front of her. Okay. I'm happy. Okay. I'm happy. Okay. So basically what is happening is like, mommy ko to you are like showing ki haan, maine kha liya, lekin that is hampering your health, first of all. So basically kya hota hai, jo bhi, like main itna zyada depth mein bhi nahi bol sakti hu, but food industry aur jo bhi ek wo rehta hai na, to usme kya hota hai, whenever you're eating something which is processed, or you're eating something which is packaged, or you're eating something which is giving you pleasure, usme aise koi ingredients dale jate which is addictive towards your brain. इसीलिए वो happy hormone release होता है whenever you're eating those kind of foods. So वो चीज़ जितना भी अगर आप देखोगे like if you are having pastry today, just suppose you are having pastry today, so you will see that tomorrow, day after, एक दो दिन तक आपको sweet craving ज़्यादा होगा. Like if you notice that, that is very like बहुत basic चीज़ बोल रही हूँ मैं, but if you observe no, वो 2-3 दिन तक आपको वो craving continue रहेगा, because होता ही वैसा है, हमारा brain वैसा ही मतलब काम करता है कि हम अगर मतलब कुछ भी मीठा खाते तो मीठा ही खाते रहने का मन करता है. अगर आप पिज़्ज़ा खाओगे तो you'll crave for something which is cheesy, मतलब कुछ चीज़ वाला मतलब खाना खाने का मन करता है. इफ़ यू आर हैविंग सम रोल, चीज बर्स्ट रोल एंड ऑल, देन यू विल फील लाइक नेक्स्ट मोमेंट यू विल फील लाइक ऑर्डरिंग, और वैसे टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं. वो जो होता है ना, एक से मन नहीं भरता, मन नहीं भरता है, वैसा वाला होता है. सो दैट्स व्हाई दैट गिव्स यू प्लेजर, एंड दैट्स द थिंग व्हिच इज लाइक नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड इट्स लाइक ट्रिकिंग योर ब्रेन एज वेल. Okay. I have a lot of questions, but as we don't have much time, I'll just shoot 2 questions. Okay. Number one is that, as you can see, I've got a lot of pimple on my face, okay, which is the very first time in my life. I have never had pimple back in my teenage or anything. So as soon as I move to Guwahati, I don't know from where I'm getting so many pimples. I'm using all the kind of things that I see in YouTube, niacinamide, this and that, whatnot. Mm-hmm. Nothing is working. It's very bad. And second of all is that, as we are in the morning shift, we come at around like 8. We don't eat anything. We just come. At around 11 or something, we would just take out 2 breads, white butter, something like that, we would eat. Huh. So I want to ask you, in a schedule like this, where we constantly have to rush, we don't know when some news is coming. So please help us with, you know, with something that, you know, we can incorporate in our breakfast, because we don't get much time to cook our meal in the yes. morning, and I'm also staying in PG. Yes. So that's very difficult. So these two okay, questions. So you are vegetarian or? I'm hardcore non-vegetarian. Okay. But so for my skin, for my looks, I can go like yes. crazy. Like I have no problem eating something which doesn't have sugar or anything. But I just want to know what are the things that I should follow. Yes. So basically, acne can be hormonal also. Like it can be hormonal also. So you have gone through some tests or something for that, like. Test like basic test like you know, blood sugar level or yes. thyroids or something. Those yes, all are okay. Those are normal. Yeah. Okay. So basically, kya hota hai? Acne is a hormonal thing, and it also depends on the schedule. You know, like as you said, ki you have come down to Guwahati, and then the schedule has changed. Sleep time also might have changed. Your stress levels at work is also like acne, and all these like skin breakouts also depends on all these like lifestyle related factors. And coming to your point. Like as you said, ki you have to rush down to the office, and then you grab those 2 breads and butter and all these stuffs. So there can be other options as well. Even if you are staying at PG, one will be a very easiest one is like you have a electric kettle. You can just boil 2 eggs. At your PG, you can carry those eggs at office, or you can have that at your home also. Other option is like moong and chana and all these which are available, no? Like just a day ahead, you can soak those, and then you can make sprouts out of it, and bring. If you want to add some things, then you can add onions and tomatoes and all these things, and then you can have those things at your office. You can have that alone also, or you can share with your friends also. That will be very helpful. Or if someone is staying at home, they can also carry that for her. So that can also be a very good option. You should also focus on the
outside food, if you're eating any kind of outside food, if that consists more of like fats or cheesy food items, no, you should like avoid those things. Thoda sa wo bhi impact karta hai, and the sugar thing, because sugar is something which is more addictive than alcohol or smoking or any kind of other food items. मतलब जो भी items होते हैं ना उनमें से sugar सबसे ज़्यादा addictive होता है, and sugar is the most harmful one. And also consumption, if you consume those cold drinks and all, do you consume those things? Okay, then it's totally fine. Because उस दिन मेरे पास एक client आया था जो बोला कि मुझे पानी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक bottle cold drinks ले लेता हूँ और एक bottle cold drinks में पी जाता हूँ. तो वो भी liquid में ही आ जाता है ना. तो पानी, मैंने पूछा पानी, what is your water intake? He says कि मतलब हाँ, मैं एक bottle का cold drinks पी लेता हूँ, उसमें भी तो पानी ही रहता है. मैंने बोला उसमें जो 30-40 स्पून शुगर रहता है, वो आपने सोचा है कभी कि मतलब कितना अमाउंट में शुगर रहता है? सो द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, वी ऑफन सी द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वुड से वी ड्रिंक दिस मच, दिस मेनी लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. वेल, आई ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. 3 liters इज माय स्किन इज गॉन. I don't know what to say, and I think that's the issue most of our, you know, colleagues are also facing. We don't have a healthy lifestyle, we don't eat healthy things, we just grab something very quickly. So basically I want you to give an answer for all of us, you know. Yes. A joint answer to maintain, you know, like the media professionals who are constantly breaking news, but we also need to maintain our health. So just give us some tips. Yeah. We are breaking out breakouts basically on our face, so that's a very big problem. So basically water intake is a very personal thing. कैसा होता है कि if according to body weight and height and age and everything, the water intake, ideally water intake should be around 2 to 3 liters is enough. For you it will be maybe around 2.5 liters. 2 to 3 liters water intake is enough. उसके साथ like if you are having any kind of fruits, if you are coming down to the clinic now, the season is of watermelons and all, so watermelons ये सब कैरी करके ला सकते हो, फ्रूट्स कैरी करके ला सकते हो, दैट विल बी अ वेरी गुड चॉइस. इवन यू ऑल कैन टेक अ चार्ज कि मतलब आज के दिन फ्रूट्स मैं कैरी करूंगी, नेक्स्ट डे यू कैन मेक अ रूटीन लाइक दैट कि समवन इज कैरिंग सम फ्रूट, आज मेरा दिन है तो आज मैं मतलब 4 types ऑफ फ्रूट कैरी करके ले आऊंगी, वी विल शेयर विथ एवरीवन. सो दैट कैन बी अ वेरी गुड लाइक, उससे सोशल एक सर्विस भी हो जाएगा, एक बॉन्डिंग भी बन जाएगा और सबको हेल्दी भी हो जाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. एज आई सेड, एग्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन लाइक फॉर लाइक प्रोटीन एनहेंस करने के लिए. डू यू गेट टाइम फॉर वर्कआउट और समथिंग लाइक थ्रू आउट द डे? मतलब तो मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होता पूरा दिन? यू हैव टू सिट. ओके, यू वॉक. So how much is your distance from your office? Till my PG I cannot walk, it's pretty far, I think 2 kilometers, and I really get very tired. Okay. Because I'm not eating very properly, so I walk around like let's say 1 kilometer in a day. That's so actually you should focus basically what is as I said, like balanced diet is very important. Balance karne ke liye sabse zyada important hai carbs intake bhi theek rakho, aisa nahi ki carbs bahut zyada kam kar diya. Make a focus कि आपका जो 3 meal रहता है, breakfast, lunch and dinner, उसमें आपका like nutrition जो है वो fulfilled रहना चाहिए. उसके अलावा in between तो snacking में कुछ भी चलता है, जैसे कि like you can have curds, you can have like eggs, you can have fruits, you can have like sprouts and all, ये सब चीज़ आप ले सकते हो. But जो main meals होते हैं उसमें try to focus, जैसे आपको पनीर पसंद है या नहीं, तो पनीर इज़ फाइन फॉर यू. सो इफ़ यू आर स्टेइंग इन पीजी, पनीर तो आपको ऐसे भी मिल जाता है, राइट? सो पनीर आपने मतलब जैसे आपने कोई भी चीज़ कैरी किया है या पीजी से ही कुछ खाना कैरी किया है, तो उसके साथ आपने 2 slices ऑफ पनीर, मतलब 200 grams आपने पनीर खरीद लिया, उसका मतलब हाफ स्लाइस आपने 100 grams आपने ले लिया, तो उसमें भी आपका एक सोर्स आ जाता है, प्रोटीन का भी आता है, फैट्स का भी आता है, एक बैलेंस हो जाता है. या मतलब एग्स का भी वैसे ही रहता है. चिकन विकन मतलब कभी कभी उसमें थोड़ा पीजी में थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है, बट एट होम तो दैट्स कम्प्लीटली ओके ओनली. सो वैसे टाइप से आप बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को. एंड कार्ब्स इनटेक के लिए भी नॉट नेसेसरीली, जैसे कि मैंने बोला ना, उन्होंने बोला था 3 times में चावल चाहिए होता है, चावल लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ जैसे सैलड्स वगैरह भी खाओ, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा फाइबर इंक्रीज़ कर दो, वो सब चीज़ अगर आप
ओवरऑल बैलेंस करोगे तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. एंड व्हेनेवर यू ईटिंग लाइक सुबह के टाइम में जैसे आप चावल खाते हो तो थोड़ा सा उसमें घी ऐड करो, या रोटी इफ़ यू आर हैविंग ऐड सम घी. उससे क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है. इंसुलिन जितना स्पाइक नहीं होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी मतलब ज़्यादा आगे में ज़्यादा क्रेविंग नहीं करेगा. जैसे बोलते हैं ना आजकल सेलिब्रिटीज़ जैसे फैट फर्स्ट लाइक कीटो कॉफ़ी, घी कॉफ़ी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दैट इज़ नॉट अनहेल्दी. दे आर नॉट प्रोमोटिंग समथिंग विच इज़ अनहेल्दी. दैट यू कैन ऑल्सो कंज्यूम, बट येस अकॉर्डिंग टू योर नीड, बॉडीज़ नीड कितना ज़रूरी है, क्या एक्टिविटीज़ है, मतलब कैसा स्ट्रेस लेवल्स है अकॉर्डिंग टू दैट. टू मच हैविंग टू मच कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो वही है, मतलब ओवरऑल बैलेंस एंड पोर्शन कंट्रोल इज़ द की टू एवरीथिंग. दैट्स द थिंग. थैंक यू. वेलकम. Okay, so hello Manisha, welcome. Hi. To our office. Hi. It was nice listening to you, although we were working, but we were eavesdropping. I don't really have a question as such because all the questions have been asked and you have addressed to all the issues already. Actually last week ICMR released a report saying that 56.4% of disease burden in India is because of dietary needs, because of the issues in the diet. Yes. Okay, food issues. Yes. And but again, there are people in our country who cannot really afford a dietitian. Yes. They cannot afford a nutritionist. Half the people have not even seen the article. Yes. Although it has released a lot of guidelines. And when we take into consideration of our parents or grandparents, they did not really have to suffer any kind of diseases because of food. Yes, there was no dietitian or nutritionist at that period of time. Of course, yes. So, could food contamination be one of the reasons? Because in the morning I was talking to Sanchayita regarding bread. So I was telling her that I don't like brown bread because it's a little bitter. Then she said, no, it's good. Brown bread is really good, but you'll not get good, the genuine one in Guwahati. Yes. So could you please highlight on this issue a bit? Yes, actually food contamination and as I said, food industry, there are many food items that are labeled as healthy. Just suppose like breakfast cereals, which are considered to be healthy. Like most of the individuals, if we ask, like small kids and like even the elder ones, they go for cornflakes and milk at the early morning time because they don't have time and they think ki haan, cornflakes is healthy, so we can have cornflakes with milk. Or even that case of brown bread and white bread. Brown bread and white bread is almost similar. In fact, if I would like to highlight, then brown bread is unhealthy as compared to white bread. If we consider the manufacturing process here, अगर आप कोई ऐसे जगह से सोर्स कर रहे हो विच इज़ वेरी ऑथेंटिक, यू नो दैट दैट बेकरी पर्टिकुलर बेकरी यू आर लाइक चूजिंग दैट यू नो दैट पर्सन और यू नो दैट दे आर यूजिंग रियल लाइक होल व्हीट फॉर दैट, दे आर एडिंग नट्स इन इट एंड एवरीथिंग, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट अदर देन दैट, जो भी पैकेट में मिलता है, दोज आर नॉट एक्चुअली हेल्दी बिकॉज दे यूज लाइक कलर इन इट, दे यूज एडिटिव्स इन इट, सो दैट इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली इट्स नॉट हेल्दी. सो ब्राउन ब्रेड खाने से अच्छा यू कैन हैव वाइट ब्रेड एज वेल इफ़ यू आर कंज्यूमिंग ब्रेड. तो मेरे हिसाब से तो इफ़ आई वुड से देन गो फॉर रोटी इंस्टेड ऑफ ब्रेड. मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट दैट वुड लीड टू लाइक अ हेल्दियर लाइफस्टाइल लेटर. एंड कमिंग टू द पॉइंट कि पहले लाइक जैसे डाइटिशियंस नहीं होते थे, फिर भी लाइक मम्मी पापा या दादी नानी दे वेर हेल्दी बिकॉज उनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफस्टाइल वैसा था बिकॉज दे यूज टू वर्क रियली हार्ड. दैट टाइम देर वॉज नो ऐसा कोई जॉब नहीं था जो सेडेंटरी होता था. That time everything was very active. They had a very active lifestyle. Job schedule वैसा रहता था, या मतलब काम का pressure भी वैसा ही रहता था. वैसा अभी का जैसा एक nowadays physical labor से ज़्यादा mental labor ज़्यादा है everywhere. मतलब कोई भी profession हो, mental labor जो है वो ज़्यादा रहता है. So basically उसके कारण हमारा need of the hour, मैं नहीं कहूँगी कि हाँ dietitian के पास ही जाओ या nutritionist के पास ही जाओ. Your body is your best doctor. व्हेनेवर यू लाइक जस्ट सपोज आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो या डाइटिशियन के पास भी जाते हो, तो आप कैसे जाते हो? बिकॉज यू आर कंसर्न, राइट? आपका पैर में कुछ सूजन आ रहा है, या आपको लाइक हेडेक हो रहा है कंस्टेंटली, या योर बॉडी शोइंग सम काउंड ऑफ लाइक सिम्टम्स और साइंस और समथिंग, राइट? उसके बाद ही हम लोग जाते हैं. तो हमें पता होता है कि क्या हमारे लिए हेल्दी होता है, क्या हमारे लिए अनहेल्दी है. आपको पता है कि चिप्स हेल्दी नहीं है, स्टिल यू आर हैविंग दैट.
राइट तो उसके लिए आपको डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है. मैं आज बोल रही हूँ इसीलिए ये नहीं पता चल रहा है कि चिप्स इज़ नॉट हेल्दी. मैं आज बोल रही हूँ इसीलिए नहीं पता चल रहा है कि ब्राउन ब्रेड इज़ नॉट मतलब हेल्दी नहीं है, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड इट अर्लियर ऑल्सो. बट फिर भी हमें एक मतलब वो ठप्पा या स्टैम्प की ज़रूरत होती है कि हाँ डाइटिशियन बताएगा फिर ही मैं वो चीज़ को फॉलो करूँगी. सो दैट्स वाई डाइटिशियंस डॉक्टर्स एंड एवरीवन इज़ रिक्वायर्ड. बट अदर देन दैट आपका बॉडी जो मतलब सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में सूट करता है, जस्ट सपोज आई एम अ डाइटिशियन, नॉट नेसेसरीली क्लाइंट इज कमिंग टू मी, अ पर्सन नीड्स टू लूज 10 kgs ऑफ वेट, सिमिलर लाइक वेट, सिमिलर हाइट, सिमिलर लाइक एज का आदमी आ रहा है. एक का हो सकता है कि 500 kg ही लाइक 500 grams ही लूज़ हुआ हो, एक का हो सकता है 5 kgs लूज़ हो गया हो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक पर्सन टू पर्सन, वो वेरी करेगा. सो बेसिकली आपका क्या डेडिकेशन है, आप अगर जानते हो कि आपको कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, कितना अमाउंट में खाना है, आप अगर खुद को बैलेंस कर सकते हो, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, देन देर इज़ नो डाइटिशियन लाइक नो नीड ऑफ डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन or anybody. So you can be your own doctor or you can be your own matlab खुद ही मतलब वो कर सकते हो, यू कैन खुद जज कर सकते हो कि हाँ जो पता है कि अनहेल्दी है उसको अवॉइड कर दो, बस दैट्स द सिंपल था. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ हेल्दी खाओ, हेल्दी अच्छा है, लेकिन अनहेल्दी भी खाओगे तो कितना पोर्शन में खाओ ताकि मतलब बैलेंस हो जाए. लाइक दिस एनीथिंग इज टॉक्सिक, एनीथिंग इज पॉइजन इफ टेकन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, यस इज नॉट गुड, राइट. द पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेड मीट हो या कोई भी अदर थिंग हो, मतलब जो भी अमाउंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू आर कंज्यूमिंग रेड मीट वंस इन अ लाइक मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, दैट विल नॉट कॉज एनी हेल्थ इशूज. सो दैट्स द सेम सिनेरियो, इवन ब्राउन ब्रेड कंजम्पशन वंस इन अ वाइल विल नॉट कॉज एनी हेल्थ इशूज, बट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग दैट इन अ रेगुलर बेसिस देन दैट विल बी डेफिनेटली कॉजिंग हेल्थ इशूज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So it was lovely talking to you. We got to know so much. I'll keep in mind the 5 points of nutrition and then I'll follow it. Some myths were broken. Some we were more clarified. Some we knew, but partly. And then today it was obviously enlightening. Thank yeah. you. So it was lovely having you here. And then... Okay. And thank you for bursting all my bubbles. Ki matlab, sir, you have addressed it all. So thank you for joining India Today, Annie. I wish you all the luck. Thank you. Thank you. Thank you.